इमरजेंसी पड़ता है तो झोला साहब डॉक्टर से दिखाते हैं हम लोग अपना जानकी बाजार में। कोई भी व्यवस्था हॉस्पिटल का ठीक नहीं, ना तो कोई ढंग से रिस्पांस लेता है, ना सही से जांच भी करता है। होम आइसोलेशन में जो रहते हैं उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, तो अस्पताल में कैसी व्यवस्था होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में समय के साथ आबादी तो बढ़ी, लेकिन उसके लिहाज से स्वास्थ्य सुविधाओं का घोर अभाव है। देश में कोरोना संक्रमण अब और ज्यादा डराने लगा है, क्योंकि निशाने पर गांव है और यहां स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ नाम भर के लिए हैं। सर्दी खांसी से लेकर कोरोना की जांच तक किसी के लिए भी कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ऐसे ही कुछ हालात बिहार के भोजपुर जिले और सहरसा जिले में पड़ने वाले गांव में दिखे। डॉक्टर से दिखाते हैं हम लोग अपना जानकी बाजार में, ना तो गाड़ी वाड़ी करके कहारा वारा जाते हैं तो भी पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे, एक भगवान के ऊपर रहता है। यहाँ पर डॉक्टर कोई नहीं रहता है। कब से? शुरू से ही नहीं रहता है, कभी नहीं रहता है। अगर किसी का तबीयत खराब हुआ, तो हम लोग लेकर जाते हैं आरा, नहीं तो संबल साहब छत्तीसगढ़। बिहार के भोजपुर जिला मुख्यालय से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर ख्वासपुर में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था का भी कुछ ऐसा ही हाल दिखा। क्लिनिक में एक असहाय डॉक्टर, उनके स्टेथोस्कोप और कुछ पैरासिटामोल और विटामिन सी की गोलियां कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकती। लोग बताते हैं कि भोजपुर या आसपास के किसी भी गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो छोड़िए डॉक्टर भी नहीं है। ऐसे में ग्रामीण झोला छाप डॉक्टर्स के भरोसे रह जाते हैं। 90% से प्लस लोग रिकवर कर रहे हैं। हम लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई व्यवस्था है नहीं, यहाँ पर भर्ती करने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसको हम लोग रेफर करते हैं। सर्दी खांसी बुखार दर्द, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। अगर कैसे एडमिट करते हैं, इसके बाद हम आगे की तरफ भेज देते हैं। कहाँ भेज? सनवरसा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जो होते हैं ना। कहाँ? सनवरसा, यूपी। जी। गाँव में शहरों की तुलना सरकारी चिकित्सा सेवाओं का कई बुरा हाल है। 50% गांव में स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है। जिन गांव में हेल्थ सब सेंटर खुले हैं, वहां सुविधाएं नहीं है, ना तो स्टाफ है और ना ही दवाइयां हैं। स्थिति में ग्रामीण जनता जाए तो जाए कहां? गांव का स्थिति बड़ारा था, मनी छपरा हॉस्पिटल है ना एक बड़ारा में, तो उनका स्थिति ठीक नहीं। वहाँ डॉक्टर जाते जाते ही रेफर कर दिया कि यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, आप लेकर जाइए सदर। नहीं व्यवस्था, एक भी ऑक्सीजन नहीं है, कोई देखा नहीं, सिर्फ खाली पुर्जा बनाया, रेफर कर दिया, दम आकर यहाँ पर इलाज करा रहे हैं। गांव में कुछ नहीं है, गांव में बहुत बुरा हाल है गांव का। कोई भी जरूरत हो तो हम लोग यहाँ पे आना पड़ता है शहर में। हाँ मिल रहा है कुछ, उतना वैसा नहीं मिला जैसे चाहिए था, खुद से करना पड़ रहा है, सिलेंडर ला के यहाँ पर रखना पड़ रहा है, वहाँ लाना पड़ता है वहाँ से। गांव में इमरजेंसी सुविधा भी बंद होने से मरीज परेशान हो रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा। देश के किसी भी अन्य स्थान की तरह गांव में अस्पताल का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। लोग फर्श पर सोने के लिए मजबूर हैं। नर्सों ने कोविड मरीजों को छूने से मना कर दिया है। स्वास्थ्य सुविधाओं और उचित इलाज नहीं मिलने से मरीजों के परिजन सभी परेशान हैं। 800 का फ्लो मीटर 10-10 हज़ार में मिल रहा है। यहाँ अब तो सिस्टर लोग का केवल काम है सुई देना, और इमरजेंसी में जब हम जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। गांव में टेस्टिंग और इलाज की सुविधा ना होने से गांव वाले भी अगर कोई लक्षण आ रहे हैं तो खुद को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। हाल ये है कि ना तो सरकार, ना प्रशासन और ना ही स्वास्थ्य विभाग कोई भी सुध लेने वाला नहीं है।